हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जून मंथ की बेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो जून की है और आप सभी को उसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसी है, बल्क में है सारी ही वैकेंसी, जितनी भी बताऊंगी सारी रेपुटेटेड होने वाली है। एंड प्लस में किसी में एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा माइनर है और नंबर ऑफ वैकेंसी सभी में बहुत अच्छी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं SSC, रेलवे, इंडियन एयरफोर्स, किसी में भी, सारी वैकेंसी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर होगी लेकिन फुल ऑफ इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें SSC की तरफ से मोस्टली लोगों को पता है CGL के बारे में, यानी कि वही लोग अप्लाई करते हैं जो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 7000 से भी ज़्यादा है और पोस्ट बहुत सारी है, लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, टैक्स असिस्टेंट की है, इंस्पेक्टर की है, SI की है, पोस्टल असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेड ऑफिसर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, इसमें ग्रेड पे बेस पे होता है। बहुत सारी पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव रिसर्च, डिविजनल सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ऑडिट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, बहुत सारी पोस्ट है। सैलरी और पोस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है ना, एज लिमिट वगैरह जिस पर डिपेंड होती है। कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें लेवल 8 पे सैलरी होती है, कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिसमें लेवल 7 पे सैलरी होती है, कुछ पोस्ट होती है जिसमें लेवल 6 पे सैलरी होती है, कुछ पोस्ट पे लेवल 5, 4 ऐसे ऐसे रहता है, यानी कि 4 तक जाता है इसके अंदर। और इसके अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक प्रॉपर वीडियो आप सभी के लिए आ जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 11 जून से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं और 10 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत पहले से इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो बता दूँ एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर अक्टूबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। क्वालिफिकेशन बेसिकली नाम से ही पता लग रहा हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो ग्रेजुएशन लेवल की इसमें आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स हो साइंस हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एवरीथिंग कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जर्नल OBC के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, SC ST फीमेल, PWD एक्स सर्विस मैन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी, आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, Tier 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाला है और Tier 2 में बस आपका एग्ज़ाम होता है। पहले इसमें क्या होता था, इंटरव्यू कराया जाता था, फिर उसके बाद चेंजेस आए, अब Tier 1, Tier 2 कराया जाता है। बस पहले 3 टीयर भी हुआ करते थे, एंड Tier 1, Tier 2 में आप देख सकते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव वगैरह भी रहता है। डिटेल में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल इसमें वैकेंसी के हाइलाइट्स को देख रहे हैं। सेकंड है इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से AFCAT एंट्री एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, NCC की भी स्पेशल एंट्री होने वाली है। 304 वैकेंसी है जो अपने आप में ही ठीक ठाक क्वांटिटी में है। 28 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। सैलरी 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये के बीच में होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री, BE, BTEC वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो AFCAT फ्लाइंग बैच जो है 20 से 24 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसमें 20 से 26 साल की एज लिमिट चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो AFCAT एंट्री जो है 250 रुपये है, चाहे वो SC हो, ST हो, जर्नल हो, OBC, फ़र्क नहीं पड़ता, सभी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये चार्ज किया गया है। NCC स्पेशल एंड मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए कोई एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी। एंड बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो इसमें क्या है, ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है एंड फिजिकल टेस्ट होता है, देन उसके बाद आपकी एंट्री होती है। अप्लाई आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। एंड बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की तो इसके अंदर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है careindiaairforce.cdac.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से पोस्ट इसमें अनकाउंटेबल, बहुत सारी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं कितनी सारी पोस्ट हैं। NTPC 10+2 ग्रेजुएट लेवल, वॉरिस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की भी बहुत सारी पोस्ट है इसके अंदर, लाइक जूनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट। इसमें 35,000 के अराउंड वैकेंसी रहने वाली है। जून में इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे एंड जुलाई में लास्ट डेट रहने वाला है। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ पोस्ट पे 19,900, 21,700, मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितनी सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास एंड ग्रेजुएट वाले अप्लाई करें, 12th पास वाले 12th पास वाले के लिए अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एज लिमिट का देखें तो जो 10+2 पोस्ट है उसमें 18 से लेकर 30 तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC SC ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा, लाइक OBC वालों को 3 ईयर्स का, SC ST वालों को 5 ईयर्स का, NPWD कैंडिडेट को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही सेम ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जैसे जैसे आप चाहते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए मेल है तो 500 रुपये और फीमेल है तो 250 रुपये रहने वाली है, अदरवाइज जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उन सभी के लिए 250 रुपये चार्ज किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, CBT बेस्ड टेस्ट होगा, देन मेडिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद यहाँ पे आप इसके लिए
ऐसे कैंडिडेट हायर किए जाते हैं। जॉब लोकेशन इंडिया में ही रहती है, ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailways.government.in है। बात करें दूसरी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से, तो इसमें जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है, सुपरिंटेंडेंट की है, मेटलर्जिकल असिस्टेंट की भी है। 13,000 के अप्रोक्सिस के अंदर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई हैं। जून जुलाई में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। सैलरी 35,400 रुपये रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, डिप्लोमा वाले भी, PGDCA वाले भी, BSc वाले भी, BCA BTech सब अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी ठीक ठाक क्वांटिटी में है, 18 से 33 साल के बीच में आपकी एज लिमिट मानी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी। पेमेंट आपको डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग के थ्रू करना है। सिलेक्शन प्रोसेसर की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट कराया जाएगा। बात करें नेक्स्ट रेलवे की तरफ से, यह बहुत सारी वैकेंसी है। इसमें पैरा मेडिकल है तो इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि इसमें मैं एक सेकंड बता देती हूँ, सॉरी 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वन सेकेंड, पैरा मेडिकल कैटेगरीज पोस्ट है, इसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। स्टाफ नर्स में, डाइटिशियन में, डेंटल हाइजीनिस्ट में, डायलिसिस टेक्नीशियन में, एक्सटेंशन एजुकेटर में, हेल्थ में, मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड, लैब सुपरिंटेंडेंट ग्रेड थर्ड, परफ्यूशनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड, रेडियोग्राफर, स्पेस थेरेपिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लेडी हेल्थ विजिटर। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसके अंदर 2000 के अप्रॉक्स रहने वाली है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जून में आ जाएंगे, जुलाई लास्ट डेट होगी। सैलरी इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, लाइक कुछ ऐसी पोस्ट इसमें लेवल 3, लेवल 4, लेवल, मतलब पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितने लेवल पर रखी जाएगी। इसके लिए अप्लाई 12th पास वाले भी कर सकते हैं, GNM वाले भी कर सकते हैं, BSc वाले भी कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेके 22 साल कुछ पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, और इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये चार्ज की जाती है, फीमेल PWD SC ST रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपये चार्ज की जाती है, अदरवाइज 500 रुपये। सिलेक्शन प्रोसेसर क्या है, रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा। अप्लाई आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, इसके लिए जॉब लोकेशन इंडिया में ही रहती है। आपको सारी वैकेंसी बताई गई, सारी वैकेंसी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है और एक अच्छी खासी पोस्ट है। सैलरी सब में ही बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी वैकेंसी में, किसी भी लेवल पे, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको बहुत ही जल्द उसकी आंसर देने की कोशिश की जाएगी। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहें। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से अप्लाई नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट है। आप किसी भी वैकेंसी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, फिर सर्च करके देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।